नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये एक आदेश जारी किया गया है जो समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी जनपद हरदोई और समस्त वार्डन लेखाकार KGB वी जनपद हरदोई के लिए संबोधित है। इसका विषय है समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान तथा KGBV वर्ष 2019-20 यानी कि जो पिछला सत्र था उसके लिए के लेखों के वैधानिक संप्रेषण हेतु नामित CA फर्म का जनपदीय ऑडिट कार्यक्रम के संबंध में। तो राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ के पत्रांक संख्या दी है जिसमें दिनांक 30 जुलाई 2020 के क्रम में आपको अवगत कराया जाता है कि समग्र शिक्षा के फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 में निहित अभियान एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का वैधानिक संप्रेषण वर्ष 2019-20 समय अवधि दिनांक 5 अगस्त 2020 से 25 सितंबर 2020 के मध्य किया जाना निर्धारित है। इस क्रम में मेसर्स जितेंद्र अग्रवाल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट लखनऊ को आपके द्वारा वैधानिक संप्रेषण करने हेतु नामित किया गया है। उक्त कार्यक्रम हेतु फर्म द्वारा दिनांक 2/9/2020 से कराए जाने हेतु अवगत कराया गया है। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि ब्लॉक संसाधन केंद्र, नगर पंचायत संसाधन केंद्र तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा KGBV के लिए क्या क्या इसमें दिया है। पहला है रोकड़ वही खाता पंजिका, व्यय पंजिका, बैंक पासबुक, वाउचर गार्ड, TA/DA बिल, प्रशिक्षण बैठकों का प्रतिभागी उपस्थिति पंजिका, उपभोगी स्कंद पंजिका और कार्यक्रम आदेश पंजिका, जारी चेक का प्रतिपर्ण, उपभोग प्रमाण पत्र, BRC एवं विद्यालय से संबंधित वित्तीय वर्ष 2018-19 का व्यय विवरण, 1 लाख से अधिक प्राप्त धनराशि का टेंडर एवं 20,000 से अधिक प्राप्त धनराशि से क्रय कोटेशन पत्रावली, स्थायी स्टॉक पंजिका, मृत स्कंद पंजिका। उक्त अभिलेख आंतरिक लेखा परीक्षा दल को अनिवार्य रूप से ऑडिट के समय उपलब्ध कराए जाएं। यदि मांगे जाने पर आपके द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो इसे संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई संपन्न कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस दौरान किसी प्रकार का अवकाश देना होगा। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही समय नहीं होगी। आपको ऑडिट कार्यक्रम प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई। इसके साथ संलग्न है उपभोग प्रमाण पत्र, ये इसका प्रारूप रहेगा। प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय विकासखंड जनपद वर्ष 2018-19 के अनुसार SMC खाते से प्राप्त सर्व शिक्षा बिल वाउचर प्रत्येक वर्ष विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास सुरक्षित हैं। SMC खाता नंबर, बैंक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं SMC खाता नंबर, बैंक नंबर, FCI कोड, IFCI कोड और बैंक का अंतिम अवशेष, रोकड़ बही का अंतिम अवशेष, ये मिलान करना है। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म में आय व्यय और अवशेष, ऐसे ही कंपोजिट ग्रांट का आय व्यय और अवशेष, स्पोर्ट अनुदान, खेल कूद का जो भी पैसा है, और उसके बाद SMC प्रशिक्षण के लिए और कंटेंजेंसी, इसमें जो भी आय व्यय हुआ उसको दिखाने के बाद जो अवशेष है उसको करके टोटल योग करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी के सिग्नेचर होने हैं और यहाँ पे आपके प्रधानाध्यापक विकासखंड उनका मोबाइल नंबर रहेगा। तो ये तो संबंधित है हमारे सभी प्रधानाध्यापकों के लिए। इसके बाद जो अगला पेज है ये उपभोग प्रमाण पत्र है, ये हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और ऑडिट दल के लिए है। ये खंड शिक्षा अधिकारी के लिए है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक का नाम, खंड शिक्षा अधिकारी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या, उसके बाद प्राप्त धन, फिर यहाँ पे जो जो ट्रेनिंग हुई है, निष्ठा, लर्निंग आउटकम और कंटेंजेंसी, इन पे जो आय व्यय हुआ है और जो अवशेष है उसकी जानकारी देते हुए इसको करवाना है। उसके बाद ब्लॉक रिसोर्स
सेंटर बीआरसी पे आपका सर्व शिक्षा अभियान एसएसए के तहत ये अमाउंट जो है इस तरीके का यहाँ पे सूचना दी हुई है। ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या है, देख लीजिए आपके मतलब का हो, मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि ये सारा बीआरसी से रिलेटेड है। आपके मतलब का वही प्रधानाध्यापक वाला था और ऊपर जो सूचनाएं हैं जो जितनी ये जितने भी कागज़ हैं ये आपको तैयार करने हैं, तो ये आप इतने सारे कागज़ 15 जो हैं इसमें से जो भी आपसे संबंधित हैं वो तैयार करके कंप्लीट रख लें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तारीख दी हुई है, तो यहाँ पे आपकी तारीख दी हुई है 2/9/2019 से कराए जाने का इसमें जिक्र किया गया है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो हमारे जनपद हरदोई द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की गई है। हो सकता है ये आपके लिए उपयोगी हो, कुछ लोगों के लिए उपयोगी नहीं भी हो सकता है, व्यर्थ हो सकता है, हो सकता है उनका टाइम भी यहाँ पर वेस्ट हुआ हो, तो क्षमा चाहूँगा उनके लिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।